जल्दी 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 आओ, जल्दी कर, भाग 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 भाई। ये एक मिल्टन का घर था, जब यहाँ पर यहाँ से एक मिल्टन पकड़ा गया था, उसके घर को फिर सीज कर दिया गया था। आपको नहीं रहता यहाँ पर, थोड़ा आगे करो। यार लेन कितनी सुंदर है यार, कनाडा वाले घर नहीं होते जैसे। खतरनाक पुनी नहीं है मेरे साथ, हमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20-22 किलोमीटर जाना है यहाँ से। ये पुल पूरा लकड़ी का है, टूटता नहीं। यार लेन कितनी सुंदर है यार, कनाडा वाले घर नहीं होते जैसे। ये देख कितना पुराना है। ये एक मिल्टन का घर था, जब यहाँ पर यहाँ से एक मिल्टन पकड़ा गया था, उसके घर को फिर सीज कर दिया गया था। आपको नहीं रहता यहाँ पर। इसके नीचे गाड़ी लगाना रिस्की है यार। ओ, मैंने टेंट लगाए थे 3 यार, कहीं गिर गई ना तार इसके नीचे तो आग लग जाएगी, मर जाएंगे तीनों। अरे यार भैया साहिल को समझाओ, इसके नीचे मत लगाओ गाड़ी। जान दे जान दे जान दे, बस। ओह कहाँ बचाओ ये, बस थोड़ा सा, बस 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 ठीक, नीचे नहीं आएगा ना। ना ये बाहर है, देख ले पहले बाहर आगे एक बारी, गिरने का चांस तो नहीं है इसका। ओ, 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 थोड़ा आगे करो। सो दोस्तों ये हमारी कैंपिंग लोकेशन जो कि बिल्कुल पानी के साथ है, ये सामने आप पानी देख रहे हो। रिस्क ना लेते हुए हमने गाड़ी इस पोल से थोड़ी सी पीछे लगा दी है, पीछे हमने पत्थर लगा के उसको अच्छे से इंतजाम कर दिया, ताकि गाड़ी गलती से अगर उसकी हैंड ब्रेक फेल होगी कम से कम गाड़ी पीछे खाई में ना गिर जाए, इसलिए इस बात का हमने पूरा अच्छे से ध्यान रखा है। तो अब हम प्रिपरेशन करेंगे खाने की, उससे पहले हमें लकड़ियां ढूंढनी है, और लकड़ियां ढूंढने से पहले हमें टेंट का सेटअप करना है। सो लेट्स गो। सो दोस्तों मुझे लकड़ी इकट्ठी करने का काम मिला, और यहाँ पे दूर दूर तक लकड़ियां कहीं नहीं है, सूखी लकड़ी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं लकड़ी कहाँ से ढूंढूं। भाई लकड़ी का क्या करें, भाई लकड़ी दूर दूर तक यहाँ कहीं लकड़ी नहीं है, पेड़ से काट लेंगे हथियार दे हथियार। सो दोस्तों ये भद्रवाह की सुंदर सुंदर वादियों में हमारा कार का जो सेटअप है खुलने को तैयार है, और हमारी गाड़ी का टेंट लग चुका है। सो दोस्तों मेरा सफर शुरू हो चुका है लकड़ी ढूंढने का। भाई ध्यान से जाना, गिल्ली है, नहीं चलेगी, नहीं चल सकती, गीली है यार। ये लकड़ी का कलर ही बड़ा अजीब सा है ना। सो दोस्तों ये जो लकड़ी है ये बहुत गीली है, और इसको जलाना एक बहुत बड़ा टास्क हमारे लिए इस टाइम पे। इसको उठाएंगे किसी तरीके से, क्योंकि अभी हमें काफी हाइट पे जाना है, हम बिल्कुल डाउन में आए हैं एकदम पानी के पास, तो यहाँ से लकड़ियों को उठा के लेके जाना ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है। सो जो रवि भाई हैं वो यहाँ पे फ्रेश होने के लिए आ गए हैं, अभी 5 मिनट में जैसे यहाँ पे आते तो एक साथ हम लकड़ियों को उठा के ऊपर निकल आएंगे और जल्दी से जल्दी आग जलाएंगे। बड़ा कंबल सोते हुए निकालेंगे। सो दोस्तों हम अपनी चांप में क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी फ्रेश क्रीम भी डाल रहे हैं फ्लेवर के लिए। तो ये हमारी आ गई फ्रेश क्रीम। तो दोस्तों हमारी चांप बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है, ये आप देख सकते हो, अभी जस्ट हमने इसको ऊपर आग पे रखा है, तो विद इन 10 या 15 मिनट्स हमारी चांप बन के रेडी हो जाएगी। अभी ये चांप हमारे डिनर के लिए इतनी इनफ तो है नहीं वैसे, तो इसलिए हम रात के डिनर के लिए आज हम मशरूम आलू प्याज टमाटर की सब्जी बनाएंगे, और उसके साथ हम खाएंगे चावल। सबसे मुश्किल काम है इस टाइम पे बर्तन साफ करना, और साहिल का हाथ देख के ना मेरे को सच में डर लग रहा है, और साहिल ने इस पूरे ट्रिप में मेरे को बिल्कुल पानी को हाथ नहीं लगाने दिया। सलवे थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माई साइड। रवि भाई और साहिल भाई ने मुझे कोई काम नहीं करने दिया, मेरा काम बस एक ही था फायर डिपार्टमेंट का, मेरा काम था सिर्फ आग जलाना, बाकी मैंने बिल्कुल मजे मारे हैं इन लोगों के दम पे। तो मैं जरूर ये कर्ज कभी ना कभी जरूर पूरा करूंगा, हाँ पैसे दूंगा मैं। और हमारा सोने का सेटअप एकदम तैयार हो गया है, इसके अंदर हमने सारा स्लीपिंग बैग वगैरह सारे हमने सेट कर दिए हैं, बस हमने इसके अंदर घुसना सोने के लिए खाने के बाद। बाकी हमारी गाड़ी बिल्कुल सही जगह पे हमने लगा दी है, पीछे गिरने का कोई खतरा नहीं है इसका, हमने पूरे पत्थर लगा के इसको सेट कर दिए, ताकि गलती से भी अगर इसकी हैंड ब्रेक काम ना करे तो कम से कम पत्थर से ये रुक जाए। बाकी ये लगेज मेरा बाहर पड़ा है, इसको अंदर डाल दूंगा थोड़ी देर में, और बस अब खाने की तैयारी है हमारी शुरू। सो दोस्तों हमारी चांप बन के कोयला हो चुकी है, और बहुत सुंदर लग रही है दिखने में, और इतनी अच्छी तो नहीं बन पाई वैसे, लेकिन ये है कि हमारा पेट भर जाएगा तो भूख लगेगी नहीं रात को इतनी। सो दोस्तों मेरी चांप बन के रेडी हो चुकी है, और मैं इस चांप को टेस्ट करने वाला हूँ। आई डोंट नो ये कैसी बनी है, वो बात आप देख सकते हो, वो बात नहीं है क्या सड़ी की कोली बन गई, देखेंगे ऐसे बुलाओ में बोलते अच्छा है। नहीं यार सच बोलूँगा मैं।
दोस्तों मैंने कोशिश तो बहुत की थी कि मैं अच्छे से इसको बना पाऊँ, लेकिन कोयले की बहुत ज़्यादा हीट थी और उस हीट को हम मैनेज नहीं कर पाए, टेम्परेचर हमसे कंट्रोल नहीं हुआ। तो आपको पता है कि बारबेक्यू में जो भी चीज़ें बनती है उस पर टेम्परेचर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि चीज़ें जल जाती हैं। तो हमसे बस यही भूल होगी, ये एक साइड से जल गया और एक साइड से पका हुआ है। तो जिस साइड से ये पका हुआ है मैं उस साइड को खा के टेस्ट करके आपको बताऊंगा। ये भाई ने क्रीम भी बीच में मिक्स कर दी है। ये कैसी क्रीम? इतनी बुरी नहीं है, अच्छी है, टेस्टी है, थोड़ी जल गई है लेकिन अच्छी है। अभी कोल्ड ड्रिंक में सर्वे आपको कैसी लगी है? ठीक है, वैसे कोल्ड ड्रिंक कमी रही है। एक्चुअली कोल्ड ड्रिंक लेने हम जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे सिटी बहुत दूर है, यहाँ से दुकानें मिलेंगी नहीं। यहाँ पे तो यहाँ से निकलेंगे तो 5 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा, तो गाड़ी सेटअप वैसे भी हो चुका है तो हम जा नहीं सकते पीछे। पैदल कौन जाएगा 5 किलोमीटर पीछे? 5 किलोमीटर वापस आना पड़ेगा, 10 किलोमीटर चलने की हिम्मत नहीं है अभी हमारी। सो इसी के साथ काम चला लेंगे, थोड़ा गर्म पानी पी लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस नाइट। तो यार ये हमारी दोस्तों कैंपिंग, आज सुबह खाने का लेकिन जल्दी खा भाई, भाई सही है, खा लेते हैं भाई जल्दी। और फाइनली पूरी मेहनत के बाद हमारा खाना बन के रेडी हो चुका है, और बहुत मेहनत की है रवि भाई ने। रवि भाई थैंक यू सो मच। और अब इसको खा के टेस्ट करते हैं कि खाना हमारा कैसा बना है, और इतनी सर्दी में आग के साथ गरम गरम खाने का जो मज़ा ना भाई, वो कहीं नहीं मिलेगा इस टाइम। नीचे मैगी मसाला क्यों रखा हुआ? सो दोस्तों ठंड ने बहुत हालत ख़राब कर दी है मेरी। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं स्लीपिंग बैग के अंदर घुस के पैक होकर सो जाऊँ, और गाड़ी जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी लगी है, तो अगर मैं सेट सिर करके सोऊंगा तो मेरा खाना बाहर आ जाएगा, इसलिए मैं सेट सिर करके सोऊंगा ताकि टांगे नीचे रहें, सिर थोड़ा हाइट में रहे तो बैलेंस होकर मैं आराम से सो सकता हूँ। अदरवाइज सोना इतना आसान नहीं है, हम सबको ऐसे सोना पड़ेगा। तो हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही बर्दाश्त करने की ठंड, तो मैं इस कंबल के अंदर घुसने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना ब्लोअर है हमारे पास तो ना हीटर है, तो हम गर्म करने के लिए हमारे पास कोई जुगाड़ नहीं है, तो खुद को गर्म करने के लिए हमें स्लीपिंग बैग ही हमारे पास। तो तुम लोग इसका वेट कर रहे हो? आओ ना अंदर, आओ ना अंदर, बस थोड़ा सा काम कर रहे हैं। क्या काम बचा है भाई? थोड़ा बहुत करके आ रहे भाई, मत घूमो ठंड में, बहुत ठंड लग रही है, बार बार मारो जाओगे। कोई बात नहीं, हम लोग आदत है, हम लोग पहाड़ी बंदे हैं गाइस। ये लोग पूरी तैयारी करके ऊपर आए थे और अब ये कंबल गाड़ी के अंदर भूल चुके हैं, अब वापस एक बंदे को कुर्बानी देनी पड़ेगी इतने ठंड में, और वो बंदा ठंड में नीचे जाएगा इसको खोल के। भाई क्या कड़कती ठंडी ठंडी हवा आ रही है, वो बंद कर भाई इसको, तू बाहर जा रहा है क्या? इस टाइम पे बाहर जाना मतलब सुसाइड करने जैसा है भाई, तुझे नहीं पता, मुझे पता ना भाई, जाना सर अपना ठीक है भाई, बहुत बड़ी कुर्बानी है नीचे जाना इस टाइम पे। साहिल जी गाड़ी आ गई, कर गाड़ी आ गई, अच्छा ऑन कर। भाई कहाँ पे हो भाई, क्या हुआ, कोई आया क्या? लग लपड़ा है, आ जाओ आ जाओ, जल्दी 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 भाई, भाई पकड़ तो सही, वो ठंडा ठंडा कंबल है। आते 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 भाई, जल्दी 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 ऊपर जल्दी कर, भाग 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 भाई, वो दरवाजा बंद कर यार, वो गंदे पैर लेके आ जाओ, पर कोई बात नहीं। चल 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 चल, शाबाश शाबाश, करते करते इसको बंद कर, इसको बंद करो सबसे पहले। कैसे बंद होता है यार ये? नींद उस साइड आएगी नहीं, जो मर्जी कर लो, नींद इधर ही आनी मेरी साइड, उल्टी आएगी उस साइड, आलू बाहर आ जाएंगे मशरूम के साथ, पक्की बात है। अब ठीक है भाई, कंफर्टेबल लग रहे हो? यस ब्रो। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग गाइस, जल्दी करेंगे जो कुकिंग वाला मतलब सेटअप भी, कुकिंग शुकिंग भी ना हम अपनी ऑलमोस्ट। पानी पीना, पानी गरम गरम पानी है तो यार, गरम पानी, थैंक यू यार। दोस्तों गर्म में गर्म पानी मैं बिल्कुल हेट करता हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं गर्म पानी, लेकिन जिस हिसाब का यहाँ पे वेदर है, जैसा क्लाइमेट है यहाँ पे, एकदम ठंडा 3 डिग्री टेम्परेचर था रात को, तो जिससे मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम आने शुरू होगी, तो मैं इस गर्म पानी को पीने वाला हूँ। क्या प्लान है खाने का? भूख लग रही है यार, माँ है दो पैकेट थे। मैगी खा के पेट तो भरा नहीं, लेकिन कुछ टाइम के लिए एनर्जी आ गई है। चल हाँ,
गिराया गाड़ी बीच में खड्डे में। ओए मरने तो नहीं जा रहे। तो दोस्तों इस जर्नी में मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सो गाइज वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। ये ब्लॉग अभी यहीं पे खत्म होता है। तो गाइज मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके जाऊंगा अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। टिल देन सी यू, टेक केयर, लव यू।